हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इंसर्ट कराना है डे वन, ठीक है, फिर यहाँ इंसर्ट कराना है डे टू, या ऐसे ही कुछ और इंसर्ट कराना है। जैसे मान लीजिए आपको इंसर्ट कराना है सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, या ऐसे कुछ और भी इंसर्ट कराना हो, तो आप क्या करते हैं, आप दो तरीके आजमाते हैं। एक तो ये डे वन डे टू लिखा और यहां से इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इक्वल्स टू लगाइए और मान लीजिए डे ही लिखना है, डे वन लिखना है, तो ये लिखा डे वन और यहां पे एंड लगाया और यहां पे सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया सीक्वेंस, और यहां पर कितने सीक्वेंस हमें चाहिए होंगे वो हमें बता देना होगा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हमें चाहिए 400 सीक्वेंस, 400, तो यहां 400 कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही ये 400 आपको लिखना है, इस तरीके से 400 लिखिए। और स्टेप क्या करना चाहते हैं, डे वन के बाद टू आए, थ्री आए, फोर आए, क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट, जैसे 400 कॉलम्स तो हमें चाहिए, रोज चाहिए, ठीक है, और स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट तो डे वन से ही करना है, और स्टेप कितना करना है, तो यहां दो कर देते हैं या तीन कर देते हैं। तो देखिए तीन कर देने से क्या फायदा होगा, यहां थ्री लिखा, एंटर किया, तो ये देखिए, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। आप देखिए डे 11, डे 14, डे 17 ऐसे करके आया हुआ है, डे 12, डे 15, डे 18। अब देखिए ये कहां तक आया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल देखिए कहां से कहां तक ये गया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के फॉर्मूलाज की अगर जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका एंडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही फॉर्मूले से ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जरा सेम फॉर्मूला यहां पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, देखिए यहां पर आए, फिर यहां पे इक्वल टू लगाया, फिर यहां पे लिखेंगे डे वन, ये लिखा, और फिर यहां क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और यहां सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये लगा दिया सीक्वेंस। अब यहां कुछ नहीं करना है, 356 लिखा, बंद किया इसको, और बंद करके क्या करना है, सीधा एंटर करना है, और एंटर करने के बाद देखिए ये जादू हो गया। यहां पे देख सकते हैं डे 11 आ रहा है, देख सकते हैं, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से ये होता चला आ रहा है,